सर वो एक मुद्दा जिसको लग रहा था कि महीनों बाद शायद भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आ रही है, उस मुद्दे की ऑपोजिशन के सबसे बड़े नेता शरद पवार ने प्रैक्टिकल जवाब देके मानो हवा निकाल दी है। मुझे लगता नहीं हवा निकल गई, लगते हवा ज्यादा बढ़ा दी है। हम पवार साहब को पहचानते हैं। देखिए गौतम अडानी का जो मामला है उस बारे में पवार साहब और उनकी पार्टी, ममता दीदी और उनकी पार्टी का सबसे अलग भूमिका रही पहले दिन से। सही बात। उसका मतलब विपक्ष में कोई फूट या टूट नहीं हो गई, हम एक साथ रहे। ये जो मांग है उनकी इंक्वायरी की, वो जेपीसी से करे या न्यायालय चौकसी जुडिशियल इंक्वायरी करे, उस बारे में उनकी अलग राय है। हम कहते हैं जेपीसी चाहिए। पवार साहब का कहना है जेपीसी के चेयरमैन तो बीजेपी के होंगे, ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स बहुमत उनका होगा, तो उससे क्या मतलब निकलेगा, जो उनको चाहिए वही रिपोर्ट बना देंगे वो। सही बात। तो यहीं पर तो डाइवर्जेंट व्यूज आ रहे हैं ना सर, तो आप शरद पवार की बातों से वाकिफ नहीं है? जहां पूरा विपक्ष खड़ा है वहां शिवसेना खड़ी है जी। पवार साहब की अलग राय हो सकती है जी, और अगर होती है उसका मतलब ये नहीं कि उसमें कोई दरार आ जाएगी हमारे। आपके लिए सेटबैक नहीं है? नहीं। ऑपोजिशन का इतना बड़ा नेता इस इतने बड़े मुद्दे पर अपनी अलग राय रख रहा और कहता है कि मुझे जो लगता है वो मैंने सामने रख दिया है। डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है। आज भी शरद पवार साहब विपक्ष के प्रमुख नेता रहेंगे और है। सर ये बात भी टाली नहीं जा सकती है ना कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके नेताओं के पॉलिटिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अलग अलग जगह हैं ही, ऐसे में शायद आप सबको समझ सकते हैं। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी शिंदे गुट के लिए घातक हो सकती है तो फिर उद्धव ठाकरे के लिए भी एनसीपी धोखादायक हो सकती है आने वाले दिनों में? मुझे नहीं लगता। महाराष्ट्र में हम एक साथ रहेंगे। गौतम अडानी का मामला हमारे महाविकास आघाड़ी में कोई रोड़ा नहीं डाल सकता एकता में। उनकी राय हमेशा रही है और उनकी राय रहेगी। हम अपने रास्ते से आगे चले जाएंगे और जो 18 विपक्षी दल है उनके साथ शिवसेना खड़ी है। सर ये अलायंस वाली जो राजनीति है ना बड़ा धोखादायक लगती है। कई लोग सोशल मीडिया पे भी पूछ रहे हैं क्या शिवसेना उद्धव गुट की एनसीपी पर कुछ ओवर डिपेंडेंस तो नहीं हो गई है? ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं, अपने दम पर भर भी आप आगे बढ़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, ऐसा भी आप शो नहीं करते। हर बार अलायंस पे ही जाना ऐसा लगता, ऐसा प्रतीत आता है। महाराष्ट्र की पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि अलायंस जी, अब भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जो शिवसेना से टूटे हुए लोग हैं उनके साथ अलायंस कर रहे हैं। महाराष्ट्र की मजबूरी है। महाराष्ट्र में बहुत से नेता ऐसे जो जमीन से जुड़े हैं उनकी पार्टी, शिवसेना हो, एनसीपी हो, कांग्रेस हो, लेकिन बीजेपी जिनके साथ जा रही है या गई है तो उनको पता चलेगा असली शिवसेना कौन है और क्या है। कस्बा की जो इलेक्शन हुई उसके बाद बीजेपी ने कहा कि उन्होंने अपना सबक सीख लिया है। अब ये भी कहा जा रहा है एमवीए की जो यूनिटी है वो बीजेपी को बड़ी अखर रही है और एमवीए में कई ऐसे तत्व हैं जो कि क्रैक्स पैदा कर सकते हैं, और ये भी समझ रहे हैं जिस तरीके से महामार की राजनीति इस वक्त ऊपर नीचे हो रही है। कुछ नहीं होगा, कितनी भी चाहे कोशिश करो। ये प्रैक्टिकली ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं राउत साहब? नहीं, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ जी। महाविकास आघाड़ी में कोई दरार नहीं डाल सकता, ये सच है। देखते रहो। आखिरी सवाल मेरा आपसे आपके फेवरेट सब्जेक्ट पे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कहना है कि जिस प्रभु श्री राम ने उन्हें धनुष बाण दिया था उसी के चरण कमलों में जा रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए। उनको धनुष बाण प्रभु श्री राम ने नहीं दिया है, उनको धनुष बाण 50-50 खोके और इलेक्शन कमीशन ने दिया है, जो इलेक्शन कमीशन बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है। तो उनको धार्मिक और भावनात्मक होने की जरूरत नहीं है। पता चलेगा असली शिवसेना असली धनुष बाण कौन सा है। आप अभी चुनाव लीजिए, जनता तय करेगी, जनता श्री राम है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक।